हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सैट द सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग। दिस इज योर सब्जेक्ट नेम सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग एंड वी विल कवर इन इट। टुडे वी विल कवर द इंट्रोडक्टरी सिस्टम ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सैट सिस्टम एनालिसिस सिस्टम डिजाइन इंट्रोडक्शन ऑफ SDLC। ओके, योर सब्जेक्ट नेम इज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एनालिसिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इन शॉर्ट यू कैन से इट द सब्जेक्ट नेम इज सैट सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। ओके, in system analysis and design let's understood what is system analysis. System analysis means understanding and specifying in detail what an information system should do. That means system analysis is for what? देखिए पूरा का पूरा जो SAD है, whenever you are going to develop any information system or any software, you have to start your project step by step, and SAD provide those steps and helps you to design the software, to analyze the software step by step. In system analysis, what is system analysis? Understanding and specifying in detail what an information system should do. System design means specifying in detail how the parts of an information system should be implemented. Okay, why system analysis and system design is why it is needed? सबसे पहली चीज तो आप सिस्टम को समझिए कि सिस्टम क्या होता है और एनालिसिस क्या होता है और डिजाइन क्या होता है। ये हम आपको अलग अलग बताते हैं कि सिस्टम क्या है। सिस्टम जिस सॉफ्टवेयर को आप बनाने वाले हैं उसे यहाँ पर सिस्टम कह रहा है। वैसे तो आप सिस्टम किसी भी चीज को कह सकते हैं, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। लाइक ए कार है, कार में इंजन होता है, इंजन, डोर, स्टॉप, गियर, स्टेयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच एंड सो ऑन। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन, कार इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट, दैट इज द सिस्टम। इसी तरीके से जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल इज ऑल्सो अ सिस्टम। हॉस्पिटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेड्स, वार्ड, पेशेंट, डॉक्टर, पैथोलॉजी, OPD, जनरल स्टोर, बिल डिपार्टमेंट, स्टाफ डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। उसी तरीके से यूनिवर्सिटी एक सिस्टम है। यूनिवर्सिटी में क्या कंपोनेंट्स हैं? क्लासेस, डिपार्टमेंट्स, फैकल्टीज, स्टाफ, रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट, एडमिशन डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, इन सब के कलेक्शन को हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो किसी भी सिस्टम को जिसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो, उसको मैनेज करने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है? सिस्टम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो किसी भी सिस्टम को अगर आपको बिल्ड करना है, लाइक अब यहाँ पर जो सिस्टम वर्ड यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है किस लिए? सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एक सिस्टम, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें पहले क्या सॉफ्टवेयर बनाना है उसकी हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। एनालिसिस मीन्स डिटेल स्टडी एंड डिजाइन मीन्स द लेआउट कि किस तरीके का वो दिखेगा। जैसे आपको एक घर बनाना है तो पहले आप डिस्कशन करेंगे कि घर कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, किस जमीन पे बनाना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, कितना बजट है, कितने लोग, कितना दिन लगेगा, तो वो हमारा एनालिसिस कहलाता है। अब डिजाइन क्या है कि दिखने में कैसा लगना चाहिए, बाहर से कैसा दिखे, अंदर से कैसा दिखे, घर के अंदर जाएंगे किधर से, घर से बाहर किधर से निकलेंगे, वो सब डिजाइन में हम तय करते हैं। तो ये तीनों मिला करके सिस्टम, मतलब जिस सॉफ्टवेयर को आप बना रहे हैं उसकी हम एनालिसिस करेंगे, फिर उसको हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। नीड फॉर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग इज इंस्टॉलिंग अ सिस्टम विदाउट प्रॉपर प्लानिंग लीड्स टू ग्रेटर यूजर डिसेटिस्फैक्शन। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं तो डिसेटिस्फैक्शन होगा, सिस्टम फेल कर जाएगा, ठीक है। लेट्स स्ट्रक्चर टू द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस सिस्टमैटिकली अंडरटेकन टू इम्प्रूव अ बिजनेस थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम।
What is system analysis? The collection of notation and methodology tools used together. Analysis में क्या होता है? Analysis is the collection of notation, methodology. Methodology मतलब n number of method you are going to apply while you are analyzing a system. Analysis को मतलब हमेशा समझिएगा detail study किसी भी चीज़, जैसे कहते हैं नहीं बाल की खाल निकालना, तो detail study होता है, उसी को detail study कहते हैं. System analysis is what must ensure that the proposed information system meets user need, can be delivered on time and can be updated inexpensively. ठीक है, तो and what is the last point? Problem in getting the system analysis right, such as ill-defined situation, ambiguities, inconsistencies, mixing requirement with design. Okay, conceptual design. अब सिस्टम डिजाइन किसे कहते हैं? सिस्टम डिजाइन, व्हाट इज डिजाइनिंग फेज? डिजाइनिंग मींस इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, लाइक स्टेट द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द नीड, कंडक्ट एडवांस सिस्टम प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी स्टडी में जो फिजिबिलिटी है, हालांकि ये अभी आपको डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी मतलब होता है कोई भी चीज़ करने में हमारा क्या फ़ायदा है, उसको हम फिजिबिलिटी कहते हैं. जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, तो पहले आप ये देखेंगे हमको इसका फायदा है. जैसे आप BCA कर रहे हैं, तो BCA का क्या फायदा है, क्या स्कोप है, क्या एस्पेक्ट है, ठीक है, उसका आपको फायदा पहले देखेंगे तब आप करेंगे. ऐसा नहीं कि पहले कर लेते हैं बाद में सोचेंगे कि क्या होगा, ऐसा नहीं करते हैं, नहीं तो फेलियर होता है. डिफाइन प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट, डेवलप ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, प्रपोज अ मेंटेनेंस एंड सपोर्ट कॉन्सेप्ट, आइडेंटिफाई या प्रायोरिटाइज टेक्निकल परफॉर्मेंस मेजर्स, conduct a system level functional analysis, perform a system analysis, develop system specification, conduct a conceptual design review. इन सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, बट इन इसमें आप सिस्टम डिजाइन में ये सारे पॉइंट्स हम कवर करते हैं. ऑल दीज पॉइंट्स विल कवर इन टू द सिस्टम डिजाइन. सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC. SDLC इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट कंटेनिंग सम पार्ट, सम फेजेस, प्लानिंग, एनालिसिस, डिजाइन. तो हम लोग SDLC को भी पढ़ेंगे, इसमें डिटेल में पढ़ेंगे SDLC को, कि SDLC क्या होती है, SDLC की क्या नीड होती है, ठीक है, SDLC क्या होता है, SDLC की नीड क्या होती है, क्यों हम यूज़ करते हैं, है ना. किसी भी चीज़ को अगर कोई देखिए प्रोजेक्ट है, तो उसको हम स्टेप वाइज बनाते हैं, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो ये जो SDLC होती है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेप्स and organized set of steps. Like without planning we never do the analysis, without analysis we never do the designing. यानी कि यहाँ पर SDLC में ये है, we follow these in sequential order. First we have to plan, second we have to analyze the project, then design the project, then implement the project. These are the sequential steps. We never do analysis directly, we never do implementation directly, we never do design before analysis. After analysis we will start the design, and after planning we will start the analysis. So all these stages is follow sequential rule. Okay, this is the SDLC cycle. Like start from here, planning, analysis, then design, implementation and plan. Okay, this is another figure. के आपके इसमें कई सारी फेजेस होती हैं, लाइक फेज 1 इज एनालिसिस, देन डिजाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, रिलीज एंड मेंटेनेंस, देन आफ्टर एनालिसिस. के आपके अब देखिए अब कुछ डिटेल्स हैं SDLC की, प्लानिंग में क्या होता है, ऑब्टेन अप्रूवल फॉर प्रोजेक्ट, इनिशिएट, एक्सेस फिजिबिलिटी एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं, मेंटेनेंस में क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है. एंड दीज आर के आपको हर फेज में, लाइक फेज 1 है प्रोजेक्ट इनिशिएशन, जब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, रफ ऑर्डर स्टार्ट करने पे हमें, हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये काम करेंगे, इतने काम. फिर रिक्वायरमेंट डिफिनीशन में फंक्शनल रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट्स कवर हो जाएंगी, ठीक है. स्टेटमेंट ऑफ वर्क, चेंज स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट. डिजाइन अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल डिजाइन करेंगे, डिजाइन का रिव्यू करेंगे, डिटेल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे होगा. फेज 4 कंस्ट्रक्ट, फेज 5 टेस्ट, फेज 6 फेज 7, इसी तरीके से ये ढेर सारी फेजेज है. लाइक कंस्ट्रक्ट में हम प्रोटोटाइप करें,
प्रोटोटाइप का मतलब क्या हो गया, एक वर्किंग मॉडल हो गया, वर्किंग मॉडल बनाते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, कोड का रिव्यू करते हैं, ठीक है, देन उस प्रोटोटाइप की हम ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ट्रेनिंग है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन है, ये देखिए ये इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। एंड फेज सिक्स में क्या है, प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, प्रोडक्ट रिलीज का मतलब प्रोडक्ट गिवन टू द कस्टमर जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो ऑपरेशनल एक्सेप्टेंस होगा इसका एंड एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट्स इन्हेंसमेंट मेंटेनेंस ये आपका इवेल्युएशन में आ जाएगा ये फेज। तो दिस ऑल दीज ऑल आर द फेज एंड ऑल फेजेस, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ऑल दीज फेज आर सिक्वेंशियल फेजेस, दैट मीन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज वन फेज टू विल स्टार्ट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज टू फेज थ्री विल स्टार्ट, फेज फोर विल स्टार्ट, फेज फाइव विल स्टार्ट, इस तरीके से ये सारी सिक्वेंशियल फेजेस है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।